Welcome to my computer class. Computer Studies Standard 10th, Chapter 1, Part Number 3. Dear student, in the last lecture, we learned about formatting tags, which include tags like p tag, pre tag, subscript tag, superscript tag, small tag, big tag, definition tag, q tag, etc. Today we are going to learn other tags. The first is the align tag, which we will understand by example. Align tag is अलाइन टैग को हम डिफाइन करने के लिए पी टैग के अंदर हम अलाइन इक्वल टू राइट लिख के पी टैग कंप्लीट करके हम अलाइन टैग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अलाइन प्रॉपर्टी शो वेयर द हेडर शुड अपियर ऑन द लेफ्ट राइट सेंटर ऑफ द पेज। यहां पर मैंने लिखा है पी tag align equal to right, p align equal to center, p align equal to यहाँ पर left आएगा left। ठीक है, तो यहाँ पर p tag के साथ में हम align attribute हम define कर सकते हैं। The text is usually aligned to the left by default। आप जो भी paragraph में आप web page में अपना पेज क्रिएट करते हैं तो by default पेज अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो लेफ्ट। तो द टेक्स्ट इज यूजुअली अलाइन टू द लेफ्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लेफ्ट राइट सेंटर विद द अलाइन प्रॉपर्टी। तो आपको अलाइन टैग्स के एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। तो फर्स्ट इज द अलाइन टैग वी विल द अंडरस्टैंड द बाय एग्जांपल। सपोज यहां पर अंडरस्टैंड फोल्डर में अलाइन का मैंने पहले से ही एक एग्जांपल बनाकर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ राइट क्लिक ऑन अलाइन ओपन विथ नॉट पैड। सिंटेक्स के हिसाब से हम HTML ए टाइटल स्पेस ये तो हमें सभी डिफाइन करना ही है एग्जांपल में। यहां पर देखो p इक्वल टू अलाइन p टैग, ये p टैग है, p अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट अलाइन। p अलाइन इक्वल टू सेंटर, द अलाइन दिस इज सेंटर अलाइन। p अलाइन इक्वल टू राइट, दिस इज, तो ये यहां पर जो सिलेक्टेड पोर्शन देख रहे हो वो आपको कहां पर मिलेगा, आउटपुट में फर्स्ट एयर लेफ्ट में, सेकंड सेंटर में और थर्ड वाला राइट में। तो हमने नोट पैड के जरिए से लुकिंग एट द एग्जांपल इन नोट पैड यू कैन सी द लेफ्ट सेंटर राइट आर यूज विद द अलाइन प्रॉपर्टी। अब इसके लिए हम इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। तो यहां पर देखो आप अलाइन इक्वल टू जो लेफ्ट है तो वहां पर दिस इज लेफ्ट अलाइन, ए सेंटर और ए राइट। सपोज हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहां पर नोट पैड में आप अल्टर टैब की के जरिए से जा सकते हो। यहां पर हम लिखते हैं राइट अलाइन इक्वल टू राइट RIGHT राइट। सेव किया, फाइल में जाके सेव, कंट्रोल एस। यहां पर रिफ्रेश करने के लिए क्या, कौन सी शॉर्टकट की मैंने बताई थी आपको लास्ट में, तो F5 की, या तो यहां पर रिफ्रेश बटन है। तो देखो यहां पर यू कैन सी नाउ दिस इज लेफ्ट अलाइन। तो यहां पर आपको अलाइनमेंट कहां पर दिखता है, राइट में, क्योंकि हमने ये चेंज किया। तो ऐसे आपको चेंज करने के बाद कोई भी अलाइनमेंट आप लेफ्ट राइट सेंटर आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप कोई अलाइनमेंट नहीं लिखते हो। सपोज यहाँ पे मैं कॉपी करके दूसरा अलाइनमेंट यहाँ पैराग्राफ में आपको लिख के बताऊ, यहाँ पर अलाइनमेंट हम लिखते ही नहीं है कुछ। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कहाँ पर अलाइनमेंट आया, बाय डिफॉल्ट
राइट right. तो ऐसा आप समझो कि कोई भी अलाइनमेंट एट्रीब्यूट के साथ में जो हम यूज करते हैं, तो वहां पर आपको इसकी वैल्यू देनी पड़ती है. आपको इसको इसके अलाइन के साथ में, जो अलाइन है वो एक एट्रीब्यूट है, पी वो टैग है. वो अलाइन एट्रीब्यूट को हमने यहाँ पर समझा कि अलाइन के साथ में जो भी आप वैल्यू दोगे वहां पर उसका इफेक्ट होगा. कोई आपको लेफ्ट चाहिए, सेंटर में, राइट में, लेफ्ट हमें देने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट. तो डियर स्टूडेंट, आपने ये समझा? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एंकर टैग. अब एंकर टैग के बारे में हम भी डिस्क्रिप्शन दे कि एंकर टैग क्या है. तो फर्स्ट, एंकर टैग create hyperlink between different page which we had created. To create a hyperlink to the tag which is required is known as a tag. In the bracket a bracket यानी कि angular bracket के बीच में जो यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, tag. तो ये a tag यानी कि anchor tag. It is used the attribute href यानी कि hyperlink. अब हाइपरलिंक रेफरेंस देना होता है, इसीलिए ये क्या है, href. द वैल्यू ऑफ द href एट्रीब्यूट इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वेब पेज टू विच वी वॉन्ट टू द सेट ए हाइपरलिंक. हाइपरलिंक को हमें सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो एंकर टैग के साथ में, ए टैग के साथ में एक रेफरेंस देना पड़ता है, href. तो हमें क्या होता है कि आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि यहां तक पहुंचने का. सपोज अब मान लीजिए कि कोई एक अपने स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में पढ़ा था कि हाइपरलिंक इज ए एक शॉर्टकट है एक पेज से ऊपर दूसरे पेज पर जाने के लिए, यानी कि एचटीएमएल लिंक्स आर हाइपरलिंक. ये कोडिंग एचटीएमएल का है, एचटीएमएल के आपके यूज करते हो, यानी कि इसलिए एचटीएमएल लिंक आर हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक इज ए शॉर्टकट टू अनदर वेब पेज, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने का रास्ता है. ऐसा हमने स्टैंडर्ड 7 में भी स्टडी किया था. इट कुड बी एन इमेज, पिक्चर और टेक्स्ट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट कोई भी हो सकता है. इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि कोई ओनली फॉर टेक्स्ट ही चाहिए, कोई कैरेक्टर हो तो ही आपको हाइपरलिंक बना सकते हो, ऐसा नहीं चाहिए. सपोज मान लीजिए आपको, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊ कि हम यहाँ पर ऐसे कुछ सर्च करें इंटरनेट एक्सप्लोरर में कि श्री स्वामीनारायण ऐसा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऐसा सर्च करते, तो यहां पर जो आपको ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है, यानी कि हाइपरलिंक इज ए, आप जब क्लिक करते हो तो जंप करके एक अनदर डॉक्यूमेंट ओपन होता है ना. तो यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट. सपोज मैंने कि ये ब्लू कलर का लिंक पूरे का पूरा बना है, तो इसको हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक. हम यहाँ पर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद हमें उसका जो भी वेबसाइट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका क्या मिलेगा, हमें पूरे का पूरा वेबसाइट मिलेगा या डॉक्यूमेंट जो है वो हमें मिलेगा. एक बार विजिट लेने के बाद आपका जो ब्लू कलर था इसकी जगह क्या, कौन सा कलर हुआ, मरून कलर हो चुका है. ये अब हमें याद रखना है, यानी कि ये कोई देखेगा आपके कंप्यूटर में यहाँ पर कहीं पर भी के, तो ये हमें पता चलता है कि आपने इस लिंक की, इस वेबसाइट की विजिट ली है, ऐसे आपका कलर ये हुआ. अब कभी आप ऐसा फिर से भी एक बार बंद करके फिर आप ओपन करोगे तो भी क्या होगा, वही मिलेगा. देखो यानी कि ये विजिटेड लिंक, आपने विजिट इसकी कर ली है. फिर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, माउस का ओर कौन सा है, हैंड का सिंबल जैसा है. यानी कि व्हेन यू मूव द माउस ओवर ए लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू ए लिटिल हैंड. ये आपको सिंबल है, वो आपको जो मेरा माउस जो मूव हो रहा है वहां पर आप देखो तो क्या हो रहा है कि आपका माउस हैंड जैसा सिंबल बन गया. तो यानी कि इसको क्या कहते हैं, हम हाइपर लिंक बोलते हैं. हमें जो है वहां पर श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एसएसआईटी लिखा, वो एक हाइपरलिंक बना. यहाँ पर क्लिक करने से आप इसका जो मेन पेज है, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट पेज जो भी हो उसके अंदर में जो भी आता है अंदर में उसका पेज आपको ओपन मिलेगा.
अब हम देखते हैं कि हमारे जरिए से एग्जाम्पल के द्वारा अब हम देखते हैं कि ये हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। तो सपोज यहाँ पर आप यहाँ हाइपरलिंक का एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी आपके पास वेब ब्राउजर है वहाँ पर ओपन कर सकते हो। और डबल क्लिक करके बाय डिफॉल्ट मैंने सेट किया इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर देखो एक वेब पेज आपका क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने विजिट ली थी, इसीलिए ये कौन सा कलर दिखता है आपको, मरून कलर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये लिंक क्लिक करने से आपको दूसरा एक पेज आपको मिला। तो ये एक शॉर्टकट है दूसरे पेज पर जाने के लिए। तो एंकर टैग के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा, थियोरिकल भी हमारा कंप्लीट हुआ कि ए इन द ब्रैकेट, ए ब्रैकेट कंप्लीट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग के साथ में हम इसको ऐसे HREF, उसको हम देते हैं HREF, और इसके बाद में जो भी आपको डिफाइन करना है वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में आप नोटपैड का ओपन करके देखेंगे कि नोटपैड पर कोडिंग हम देखेंगे। तो ओपन है नोटपैड, यहाँ पर ये HREF लिखा है मैंने। तो यहाँ पर आपको कॉमन है, आपको इस ये डिटेल सब आप जानते हो, है ना। आपको ये सभी स्टूडेंट को ये पता है कि ये कॉमन सा है, कि आपको ये अगले स्टैंडर्ड में भी आपने ये लर्न किया था। ओनली फॉर ये आपको चेंजेस हुआ। सपोज ऐसा है कि आपको, मैंने पहले से बना रखा है, अब दूसरा एग्जांपल है ये P4 का है, तो यहाँ फॉरवर्डिंग ये आपको आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए कि सपोज एक एग्जांपल दूसरा ऐसा लीजिए कि ये बेसिक टैग है, ठीक है। ये बेसिक टैग वाला हम यहाँ पर क्लिक करने से आपको ओपन होगा। तो इसका जो नेम है उसके पहले क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। फिर HTML की फाइल है तो .html लिखेंगे, कहाँ पर, ए नोटपैड पे। यहाँ पर ये कॉपी किया और ये सिलेक्ट करके कॉपी किया और पेस्ट किया वहाँ पर, और यहाँ पर जाके सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका रिफ्रेश बटन प्रेस करने से आपको क्या मिलेगा, या तो आप फिर से ओपन करो, अब यहाँ पर क्लिक हियर या विजिट थियरी रेनबो, तो आपको वहां पर क्लिक करना। देखो यहाँ पर मेरा माउस, देखो जो माउस पॉइंटर है वहां पर एक ही पेज आपने ओपन किया, जो पेज लास्ट में था वही, मगर हमने कौन सा पेज ले लिया, ये बेसिक टैग वाला। तो यहाँ पर आपने जो भी रेफरेंस दिया है वह रेफरेंस आप कोई भी देखे, आपको पूरे का पूरा पता होना चाहिए कि मैं अपने कंप्यूटर में से कोई भी एग्जाम्पल लूँ। मगर एक बात आपको याद रखनी है कि जो आप यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हो वो आपका जो भी फोल्डर है स्टैंडर्ड 10 का, तो इसमें आपका फाइल सेव होना जरूरी है। सपोज ऐसा है, कोई ऐसा कहता कि सर मुझे तो यहाँ पर कोई ऐसी ड्राइव में कोई ऐसा फोल्डर है, तो वहां पर कोई फाइल फोल्डर देखते हम कि ऐसा एक, मैं यहाँ पे कॉपी करके वहां दूसरी जगह ले लेते हैं, ठीक है। आपको भी पता चले कि एग्जाम्पल कैसे दूसरा क्रिएट करते हैं। सपोज हमारा स्टैंडर्ड 10th का फोल्डर ओपन करें हम, और यहाँ पर ये कौन सा ले ले, यहाँ पर बोल्ड इटालिक अलाइन वाला स्टाइल का देखते हैं। पहले स्टाइल का आउटपुट क्या है, देखो स्टाइल का नहीं है, इसमें भी कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर अलाइन का ही ले लेते हैं या बैकग्राउंड का ले लेते हैं, चलो बैकग्राउंड का देखते हैं कि आउटपुट क्या है। तो देखो यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, ऐसा मैसेज आपको डिस्प्ले एग्जांपल में हो रहा है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डी ड्राइव में, जी ड्राइव में जाके पेस्ट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जी ड्राइव का जो पोर्शन है, पाथ है, वो पाथ आपको यहाँ पर एग्जांपल में देना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं जी ड्राइव, फिर एग्जाम्पल का नाम क्या है, बैकग्राउंड, जैसा भी लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पर कर सकते हो। ऐसा जो सपोज माने कि आपको ऐसा पता हो कि, तो इसको एक देखने के लिए एक तरीका है, राइट क्लिक प्रॉपर्टी चले जाओ, प्रॉपर्टी में आपको ऐसा दिखने मिलेगा कि यहाँ इसका पाथ क्या है, तो जी डॉट कॉलन और स्लैश। तो आप यहाँ पर एग्जांपल में जी ड्राइव कॉलन और स्लैश
ऐसे आप कर सकते हो। और यहाँ पर सेव करके फिर से हम हाइपरलिंक वाला टेक्स्ट ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर विजिट न्यू लिंक आ गया। देखो हो गया, हमने तो स्टैंडर्ड 10th जो आपको एग्जांपल जो दिया वो जो यहाँ पर टाइटल बार में देखो बैकग्राउंड जी ड्राइव कॉलन स्लैश बैकग्राउंड डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है। बैक में जाओ तो आपको एक कलर भी चेंज हो गया आपका कि आपने क्या किया, आपने विजिट कर लिया एक पहली बार, फर्स्ट बार ही आपने देखा है तो इसका कलर भी चेंज आपको मिला। तो ये बात हुई आपकी हाइपरलिंक की कि हाइपरलिंक आप कैसे बना सकते हो। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको कोई भी रेफरेंस देना पड़ता है। दोनों एग्जाम्पल के जरिए से मैंने आपको समझाया कि आपको यहाँ पर कोई पाथ देना है। दूसरी यही क्लिक ऐसा ही है, ऐसा ही सपोज यहाँ पर दूसरा ही बना लेते हैं एग्जाम्पल, दोनों ओपन, दो फाइल ओपन हो ऐसा करते हैं, ठीक है, थीके? एक पाथ के जरिए से और दूसरा हमने जो हमारा फोल्डर वहां पर अपने फाइल में ही फोल्डर सेव है ऐसा एग्जाम्पल बनाया हम। तो यहाँ पर ले ले एट्रीब्यूट अलाइन, ठीक है, ए LIGN और सेव कर देते हैं। इसके बाद में हाइपरलिंक ओपन करेंगे हम। देखो यहाँ पर दोनों आएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो बैकग्राउंड वाला एग्जाम्पल है वो आपका ओपन होगा और यहाँ पर जो अलाइन वाला डॉक्यूमेंट है वह ओपन होगा। तो ये बात हुई हमारी हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल करके मैसेज करके आप मुझे कह सकते हो। अभी आपको यहाँ पर हाइपरलिंक के बारे में एग्जाम्पल भी हमने देखा, उसका क्या यूज है, कैसे हाइपरलिंक बनाते हैं वो भी हमने यहाँ लर्न किया। अब इसको कॉलिंग फाइल किसको कहते हैं, तो फर्स्ट गिविंग द जस्ट फाइल नेम विल वर्क ओनली व्हेन यू हैव द कॉलिंग फाइल। जो हमने यहाँ पर कोई भी वर्क किया है, फर्स्ट जो हम किसको फाइल को, पेरेंट फाइल या तो कॉलिंग फाइल जो जहां से हमें लेने के लिए बुलानी बुलाई है, यानी कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा वो क्या लिखा हमने, यहाँ से अलाइन इक्वल टू एच टी एम एल एच आर एफ अलाइन इक्वल डॉट सॉरी एच आर एफ इक्वल टू अलाइन डॉट एच टी एम एल ऐसा हमने लिखा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको हम कहते हैं पेरेंट्स फाइल या तो कॉलिंग फाइल्स। क्या बोलते हैं, पेरेंट फाइल या कॉलिंग फाइल, कि जहां से हमें बुलाने की होती है वहां से फाइल। इसके लिए हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट सेव किया, सपोज यहां से सेव किया हमने, यहां पर ही फाइल सेव हुई अलाइन की, इसीलिए दिस इज कॉल्ड पेरेंट्स फाइल या फिर कॉलिंग फाइल। और दूसरी जगह रिफर्ड फाइल या कॉल फाइल एक इसको कहते हैं। तो जो हमने जी ड्राइव में यहां पर पूरा पाथ लिख के, ऐसे पाथ हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सपोज दूसरा पहले बोला कॉलिंग फाइल पेरेंट्स फाइल इस, और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल फाइल रिफर्ड फाइल या तो कॉल फाइल। दिस इज ए रिफर्ड फाइल और कॉल फाइल, क्योंकि हम इसको पाथ में से बुलाते हैं, है ना। इसको हम पाथ कहाँ से देते हैं, तो हमारा पूरे का पूरा जो वेबसाइट है यहाँ से स्लैश का यूज करके हम ये फाइल वहां से बुलाते हैं, कॉल करते हैं हम कि वहां से वो पाथ में से ड्राइव में से जाके हमें लाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हुई बात हमारी हाइपरलिंक के बारे में चर्चा की हमने। हाइपरलिंक में आप कोई भी इमेज पिक्चर्स साउंड कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो आपने ये लर्न किया कि क्या हाइपरलिंक का यूज क्या है, और सेकंड हमने पहले फर्स्ट में अलाइन कि आपको लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट कैसे करना है वो भी हमने देखा है। तो हमने दो एग्जांपल अभी देखे हैं। अभी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कह सकते हो। कोई भी नोटपैड में हमें यहाँ पर सपोज कोई एडिट करना है, फॉरवर्डिंग करना है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, नाउ द सेव दिस फाइल, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देखते हो एग्जाम्पल मैंने अभी किया था सेव कंट्रोल एस या तो सेव करके, तो नाउ सेव दिस फाइल कंट्रोल एस करके कर सकते हो, फिर देन अल्ट प्रेस है अल्टर टैब के जरिए से आप एक दूसरे से पेज में जा सकते हो वहां पर नोटपैड में और वेब ब्राउजर में।
फिर कोई भी इफेक्ट आपने दिया है तो यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ द, आपने जो भी फॉर्मेटिंग किया है तो फॉर्मेटिंग के जरिए से आप, यानी कि सपोज इमेज हाइपरलिंक है तो हाइपरलिंक का आप इफेक्ट दे सकते हैं, यानी यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ अ हाइपरलिंक टैग, यानी एच एंकर टैग। हाइपरलिंक टैग नहीं है, हाइपरलिंक हम बोलते हैं मगर टैग का नाम क्या है, एंकर टैग। सपोज इसको बोलते हैं इन द एंगुलर ब्रैकेट ओपन ए और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। बस अभी तो इतना तक कंप्लीट करते हैं हम, यहाँ पर हमारा लेसन वन कंप्लीट हुआ। इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और ये आप पूरे का पूरा वीडियो आप देखना, और इसके बारे में आप सेम ऐसा ही वेब पेज बनाना। नाउ एज यू सीन ए वीडियो एंड यू टू हैव यू टू क्रिएट द सेम टाइप ऑफ वेब पेज। ठीक है, अभी कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता सकते हो, कह सकते हो। जय स्वामीनारायण।